सामने साइड देख रहे हो ये चिमनी को भाई, इसको भट्टा भी बोला जाता है। यहाँ पे ईटा बनता है, यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, कोई बड़ी व्हीकल्स नहीं आ सकती है, बाइक ये सब चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो भाई ये ना ये फ्लाईओवर नई भी ना तो कम से कम 20 साल लगेगा इसको बनने में। फ्लाईओवर का ना ये बीच सेंटर का है, उधर देखो उधर से 100 मीटर यहाँ से तकरीबन वहाँ, और फिर यहाँ से नीचे का 100, थोड़ी सी जगह में ना टोटो ये सब कैसे घुसा दे रही है ना पता नहीं। देखो कितना छोटा सा जगह खुला हुआ है सिर्फ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज अपन लोग कुछ सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। रिवील मतलब बोले तो सीक्रेट क्या ही सीक्रेट, बट जो भी है आप लोग के सामने ही रखने वाले सारा कुछ। तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा कुछ लंबा टूर पे, लाइक बोले तो 10 किलोमीटर के आसपास, और फिर वहां पे आप लोग को दिखाना होगा। तो अब भी सुबह का टाइम हो रहा है भाई, मौसम बहुत ही मेहरबान है, बारिश टाइप का मौसम। कल रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा होने का चांस है। तो अपन लोग देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं गाइस, और मिलते हैं डायरेक्ट रास्ते में, और फिर डायरेक्ट वो पोजीशन पे मिलेंगे। तो चलो जल्दी से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। फिलहाल आपको बैक व्यू दिखाते हैं गाइस, कैसा व्यू है आज का। ये देखो गाइस, आज लग रहा बारिश होके ही रहेगा, इसी कारण से अभी अपन लोग पहले ही निकल जाते हैं। और फिर ये अपना ग्रिल है, इसमें अपन लोग ताला लगा के रखें, क्योंकि छत पे जल्दी अपन लोग आते नहीं है, अभी घर में कोई नहीं है ना, तो इसी कारण से नहीं आते। और वहाँ पे देखो मैंने कवर करके रखा है, वो वाली जाली देखो, वो नीचे पानी आ जाती है ना इसी कारण से। और सामने एक साइड अपना धनिया जो कि हो चुका है, इसको अपन लोग कटाई कल या परसों कर देंगे कटाई इसका। तो अभी फिलहाल मौसम काफ़ी मस्त है, निकलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अभी अपन लोग निकलते हैं जल्दी से। तो भाई अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि मौसम ना थोड़ा चिल्ड बोल सकते क्या, चिल्ड मतलब क्या होता है मेरे को पता नहीं, बट चिल्ड नहीं बोल सकते, काफ़ी ठंड वाली है मौसम, लाइक बारिश टाइप का मौसम है। और फिर ठंड तो भाई पूछो ही मत, इसी कारण से थोड़ा सा मोटा वाला टी शर्ट पहन के निकले अपन लोग। और इसको तो देखो भाई, मतलब दो तीन पहन के ही निकला ये, तो इसका तो भाई बात ही अलग है। और इधर पीछे का व्यू देख रहे हो भाई, मौसम काफ़ी मेहरबान है हम लोग पे। सो अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ गाइस, इधर का मौसम कितना मस्त लग रहा है अभी। देखो यार मतलब मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना, थोड़ा सा भी धूप नहीं, एकदम मस्त वाला ठंडी ठंडी सी हवा, प्लस दो चार फुहियाँ आ रही है बारिश का, फुई बोल सकते ना, दो चार बूंदे गिर रही है गाइज, फुई नहीं बोल सकते हम लोग, अब थोड़ा सा भाषा होता है ना फुही बोलते हैं, फलासी बोलते हैं ऐसा, लेकिन दो चार बूंदे गिर रही है। और सामने साइड देख रहे हो ये चिमनी को भाई, इसको भट्टा भी बोला जाता है, यहाँ पे ईटा बनता है, बट हम लोग का गांव में शायद ही कोई यहाँ से ईंट लेता होगा, क्योंकि गांव के पास जो भी आसपास का होता है ना उससे कोई ज़्यादातर लोग लेना नहीं चाहता है, तो दूर से ही आता है। तो ये ईंट का है, कैसी का ईंट है मेरे को पता नहीं, लाइक कुछ नाम होता है ना टाटा ये सब कुछ करके नाम, तो ये क्या चीज का है मेरे को पता नहीं, हालांकि अपना गांव के पास ही क्या 888 भाई 888। और इधर का देखो गाइस नेचर देखो, क्या ही मस्त है ना सीन, देख रहे हो टोटल में गेहूं ही है, कुछ कुछ तो शायद नेक्स्ट मंथ कटने वाली भी है, जैसे कि ये वाली दिख रही है, ये वाली येलो येलो टाइप की दिख रही है ना थोड़ी सी, ये शायद नेक्स्ट मंथ में कटने वाली होगी पक्का, क्या चाहिए ना होली के बाद वही नेक्स्ट मंथ अप्रैल में भाई। तो आज 20 तारीख है, कल 21 को ये वीडियो आएगी और नेक्स्ट मंथ में भी कट जाए, क्योंकि कटने का चांस आ चुका है। और इधर देखो घोड़ा से पूरा लेके जाया जा रहा है गाइस, देख रहे हो, पहले तो हम लोग देखते थे गधा से ही, लेकिन अब घोड़ा ले आया, देख रहे हो इसको टमटम बोलते हैं, देख लो गाइस इसको ही टमटम बोलते हैं भाई, पहले बचपन में ना बहुत ज़्यादा बैठे थे हम लोग टमटम, लेकिन अब कहाँ देखने को मिलता है टमटम, बस यही सारी ना कुछ यादें ताज़ा कर देती है दिखा दिखा के हम लोग को। और ये देखो चिमनी भट्टा भाई, अभी अपन लोग आ चुके हैं जहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि इसे तकरीबन मैंने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था एक रूट जो कि बहुत ही दिनों से बन रही थी और अभी तक इनकम्प्लीटेड है, लाइक कंप्लीट हो चुकी है लेकिन स्टार्ट नहीं हुए, प्लस इसका जो, तो मैं आपको सबसे पहले फ्लाईओवर दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा जो कि सुन के आप लोग भी सोचोगे यार शौक हो जाओगे पहले तो गाइस की, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आपको फ्लाईओवर गाइस कैसा है। देखो ये अपना स्प्लेंडर बाइक है और ये फ्लाईओवर है, लाइक देख सकते हो वहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, कोई बड़ी व्हीकल्स नहीं आ सकती है, बाइक ये सब चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इधर देखो फ्लाईओवर, ये थोड़ा बहुत ऑटो आ जाती है क्योंकि जगह थोड़ा सा ज़्यादा छूटा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है ना, तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा कर दिया है सब ऑटो वाले,
तो ये गाइस आप लोग गेस नहीं कर पाओगे कि ये फ्लाईओवर ना तकरीबन नई भी ना तो कम से कम तो मान लो गाइस कि 20 साल हो चुकी है, फिर भी अभी तक रेडी नहीं हुआ है गाइस। ये देखो यहाँ पे इसका चौड़ाई देख रहे हो, ऊपर का जिस पे हम लोग खड़े हैं अभी, इसका देखो तकरीबन 10 इंच बोल सकते हो ना, 10 इंच का ऊपर दिया हुआ। और फिर रोड तो मतलब लंबाई इसका देखो ना फ्लाईओवर का, तो ये फ्लाईओवर मैक्सिमम 200 मीटर का होगा तकरीबन, वहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर की ओर 200 मीटर टोटल, 200 या 250 उससे ज़्यादा मीटर का नहीं है। और इसको बनने में इतना टाइम, बट देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका नीचे का नज़ारा देखो ना गाइज, तो देखो क्या ही मस्त लग रहा है, ये देख रहे हो क्या मस्त नज़ारा है। तो ये फ्लाईओवर है, मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन के बाहर से उस साइड से मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाईओवर का व्यू नीचे का। सो भाई ये ना ये फ्लाईओवर नई भी ना तो कम से कम 20 साल लगेगा इसको बनने में, बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन इसका मैं इसके बारे में बताऊंगा ना तो आप लोग बोलोगे यार ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइज मैं ये बता दूं, ये तकरीबन नहीं तो 15 से 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन। जब भी इलेक्शन आती है ना, फर्स्ट इलेक्शन आई थी उस टाइम ये बनना स्टार्ट हुआ था सिर्फ, सेकेंड इलेक्शन 5 साल बाद हुई, उस टाइम थोड़ा सा इस पे काम हुआ, फिर इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद ना बिल्कुल ठप हो जाती है गाइज, वैसे कि वैसे ही छोड़ देते हैं, उसके आगे कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इलेक्शन हो जाने के बाद ना कोई भी प्रोसेस नहीं होता, फिर इलेक्शन की बारी आती है ना तो थोड़ी बहुत काम इसमें लगती है और फिर तो वैसे ही ठप हो जाती है। तो टोटल 20 साल हो चुकी है, इस बार फिर से इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, संहिता लग चुका है। तो हम लोग का इधर नालंदा जिला में ना 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 जून से हम लोग का टाइमिंग आएगा वोटिंग करने का। तो अभी बन के तैयार हो चुका है, इलेक्शन का टाइम आ चुका है तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये ओवर ब्रिज का टेस्टिंग नहीं हुआ है, प्लस ये अभी कम्प्लीटली तरीके से ना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो इस इलेक्शन में भी ये स्टार्ट नहीं होगी, मैं तो 100% श्योर बोल सकता हूँ ये स्टार्ट नहीं होगी इस इलेक्शन में भी नहीं, क्योंकि कुछ तो काम रोकना पड़ेगा ना गाइस ताकि आगे भी इसके कारण वोट मिले, तो इसी कारण से ये रुका हुआ है। और क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब मेरे को कुछ क्या बोल सकते हैं, बट फिर भी यार देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ और नेक्स्ट इलेक्शन आएगा ना तब ये स्टार्ट होगा, ये तो मान लो अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं और ये इलेक्शन में स्टार्ट होगी भी नहीं, जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी उसमें ये स्टार्ट करेंगे ताकि इनको वोट फिर से मिले। और उसमें स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी उसमें भी कोई मेरे को पता नहीं चल रहा, शायद उस टाइम भी ये फ्लाईओवर रहे या फिर ना रहे, मे बी उससे पहले ही गिर जाए, क्योंकि कुछ ऐसा पोजीशन वाले होते हैं लोग, इलेक्शन का चक्कर में ना कुछ भी होता है गाइस, मतलब हम गरीब ऐसे लोग ही मार खाते हैं सब में। तो चलो बाकी का मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं ये फ्लाईओवर, चालू हुआ ही नहीं है, बट फिर भी मैं आपको अच्छा से इसका व्यू दिखाता हूँ अभी गाइस। तो भाई पीछे की साइड मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था बट वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया क्योंकि अभी सारी गाड़ी यहाँ पे नहीं चल सकती है, उस लोड उठाने लायक अभी ब्रिज है ही नहीं फ्लाईओवर, तो इसी कारण से रोक लगा दिया बड़ी गाड़ी पर। छोटी छोटी गाड़ी जैसे कि हम लोग बाइक वाइक लेके चल रहे हैं ना तो इस पर कोई रोक नहीं है। तो अभी मैं ना ये पुल का सेंटर दिख रहा है, यहाँ से जो क्रॉसिंग वाला इस साइड दिख रहा है ना, इस साइड वाला, यहाँ से मैं आपको नीचे का भी व्यू दिखाता हूँ गाइस, फ्लाईओवर के नीचे का व्यू। सो भाई ये देखो ये फ्लाईओवर का ना ये बीच सेंटर का है, उधर देखो उधर से 100 मीटर यहाँ से तकरीबन वहाँ और फिर यहाँ से नीचे का 100 मीटर, टोटल 200 या फिर 250 मीटर मान सकते हो। और फिर नीचे की साइड देखो ये नूरसराय हॉल्ट है जो कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देखी होगी। और फिर इस तरफ से भी देखो ना तो इस तरफ से भी काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा, अभी का मौसम ही काफ़ी मस्त लग रहा है ना इसी कारण से व्यू भी। और देखो यार मतलब ये लोग कारीगरी करते हैं ना तो चौहान ब्रांड लिख चुके हैं, तो शायद इन्हीं का कंस्ट्रक्शन होगा मे बी। इधर से देखो रेलवे ट्रैक सिंगल लाइन गई है और फिर उधर देखो वो क्या है मेरे को पता वता है नहीं कुछ, बट जो भी आपके सामने है गाइस। और फिर सामने की साइड देखो उधर फोर व्हीलर ये सब आ सकती है लेकिन नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं दिया गाइस, वहाँ पे बंद कर रखा है, सिर्फ टोटो ये सब ही आ सकता है, उतना ही जगह का लोग ओपन किए हैं। देखो भाई मतलब टोटल छोटी छोटी गाड़ियाँ ज़्यादातर जा रही है, बड़ी गाड़ियाँ कोई भी नहीं आ रही है, लाइक फोर व्हीलर जो भी होती है ना वो सबका एंट्री अभी तक नहीं है भाई, टोटो ये सब जबरदस्ती का होता है ना वो लोग निकालने वाले, तो वही टोटो और फिर ऑटो जाती है इधर आती है क्रॉस करती है, बट इधर बड़ी बड़ी व्हीकल्स ना आए वही सही है क्योंकि यार अभी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं देखा गाइस क्या हो सकता है जो। और फिर देखो ना थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था तो वही भीगा हुआ भी रोड है। और इधर देखो आगे की साइड स्टॉप किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे पहुँच के अभी।
सो भाई ये देखो ये स्टॉप किया हुआ है इधर से, लाइक थोड़ी सी जगह में ना टोटो ये सब कैसे घुसा दे रही है ना पता नहीं। देखो कितना छोटा सा जगह खुला हुआ है सिर्फ, इधर तो बाइक आराम से घुस जाएगी लेकिन बड़ी बड़ी व्हीकल से ना वो नहीं घुस पाएगी। ये देखो यहाँ से बाइक घुस सकती है बट यहाँ पे देखो फोर व्हीलर तो कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से फोर व्हीलर घुस जाए, देख रहे हो घुसने का कोई चांस नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ से टोटो घुस जाती है और ऐसा ही स्टॉप उधर भी ब्लॉक किया हुआ उस तरफ, जो कि यहाँ से 250 मीटर जो भी है 200 फिर 250 मीटर दूरी पे है। तो बस यही कुछ है गाइस और फिर देख लिए क्या ही इसका क्वालिटी है और फिर क्या ही इसका कुछ भी है, वो तो आप लोग देख के ही बता सकते हो गाइस। सो गाइज बस यही कुछ था, इसके अलावा और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता। और फिर मैंने बोला ना फर्स्ट इलेक्शन, तो फर्स्ट इलेक्शन का मतलब ये मत समझना कि बिहार में जब पहली बार इलेक्शन हुई थी ना वो इलेक्शन, वो वाली मत समझना। इलेक्शन मेरा फर्स्ट बोलने का मतलब आज से तकरीबन 20 साल पहले वाली जो इलेक्शन पहला हुई थी ना उस टाइम ये बनना स्टार्ट हुई थी और अभी चौथा पाँचवा इलेक्शन चल रहा है, तीसरा चौथा, मतलब मान लो 5 साल बाद ना 5 और 20 होती है ना, 5 4 20, तो वही 20 ईयर्स कंप्लीट होने को है और फिर अभी तक फ्लाईओवर चालू भी नहीं हुआ है। लाइक चालू हो चुका है लेकिन अभी उद्घाटन इसका नहीं हुआ प्लस टेस्टिंग इसका नहीं हुआ है, तो सोच ही सकते हो कितना टाइम लगता है। मतलब जब भी इलेक्शन आए ना तो ये लोग कुछ ना कुछ काम को आगे बढ़ाते हैं, तो वैसे ही चल रहा है अभी। देखो ये कब तक चालू होगी या फिर बीच में ही ख़त्म हो जाएगी मेरे को पता नहीं, बट होप कि चालू हो जाए, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है गाइस की कोई भी मतलब नीचे से जाम होती है ना तो ऊपर से चले जाओ काफ़ी ज़्यादा राहत होती है, तो फ्लाईओवर चालू होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस अगर कोई भी पॉलिटिशियन के पास ये वीडियो गई होगी ना तो बस बुरा मत मानना, आप लोग कोशिश करना कि जल्दी से फ्लाईओवर चालू हो जाए अच्छे तरीके से, जो भी रुकावट है ना उसको हटा के चालू कर दिया जाए, टेस्टिंग अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक करके इसको चालू किया जाए। सोच रहे हैं आज अपन लोग यहाँ तक ही वीडियो को रखें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो जय श्री राम, बाय बाय। और अगर ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो लो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय, जय श्री राम, अपने ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना, तो बाय बाय गाइज़।